6 दिसंबर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर बौद्ध समुदाय द्वारा भिलाई सहित पूरे देश विदेश में वर्ल्ड फॉर अंबेडकर अभियान चलाया गया और वृहद मात्रा में रक्तदान किया गया। इस अभियान में सर्वधर्म समुदाय ने अपनी भागीदारी दी। 6 दिसंबर को भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि मनाई जाती है और इस वर्ष भी बौद्ध समाज द्वारा इस दिवस को महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हुए ब्लड फॉर अंबेडकर अभियान चलाया गया, जिसके तहत पूरे विश्व में एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भिलाई के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों के अलावा अन्य समाज और समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर में BSF के जवानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बड़ी मात्रा में रक्तदान किया। इसके अलावा समाज की महिलाएं भी रक्तदान करने में अपना सहयोग देती नजर आईं और बताया कि हमें गर्व है कि हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए खून देने का अवसर प्राप्त हो रहा है। साथ ही शिविर में रक्तदान करने आए BSF की टीम के कमांडेंट ने भी इस पहल को सराहनीय पहल बताया। साथ ही आयोजकों ने महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर चलाए जा रहे ब्लड फॉर अंबेडकर की जानकारी दी। इसी के साथ दुर्ग जिला चिकित्सा की ब्लड बैंक प्रभारी ने भी आम जनमानस से अपील की है कि वह रक्तदान जिला अस्पताल में आकर करे, क्योंकि वहां भी कोई ना कोई हर रोज रक्त का इंतजार करता है। मैं इस विशेष अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि हम अपने समाज के निचले तबकों के लोगों के लिए हम इस अवसर पर ब्लड डोनेट करके हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस करें। यहाँ पे आप देख रहे हैं बुद्धिस्ट लोगों ने एक अभियान चलाया है ब्लड फॉर बाबा साहेब जी। तो आप देखिए, लेकिन इन्होंने सभी जातियों के लिए यहाँ पे खुला रखा गया है। सभी जाति के लोग यहाँ आके डोनेट कर रहे हैं, वो अपने ब्लड से किसी की जान बचा रहे हैं। तो आप भी आइए, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ब्लड बैंक दुर्ग आकर ये अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। वहाँ पे कई ज़रूरतमंद लोग शायद आपका इंतज़ार कर रहे हो। अगर आप हेल्दी है तो प्लीज़ आइए, डोनेट करिए। और आज हम बाबा साहेब के परिनिर्वाण के दिन ब्लड फॉर बाबा साहेब ये कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें हम गरीब शोषित और जिनको भी आवश्यकता पड़ती है ब्लड के लिए, उसके लिए हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं। इसमें सभी धर्म के लोग आएंगे, इसमें सभी धर्म के लोग ब्लड दे रहे हैं। और ये जिस तरह से कोरोना में ब्लड की कमी पड़ गई थी जिस तरह से, तो हम चाहते कि ये सारे लोगों को ये ब्लड मिले और उसका मतलब फ़ायदा उठाए सारे लोग। बहुत अच्छा लग रहा है, ये हर किसी को करना चाहिए ब्लड डोनेट। ये बाबा साहब के नाम पे हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ये एक अच्छी पहल है, पूरे विश्व में चल रहा है, ये हर किसी को करना चाहिए ब्लड। ये 6 दिसंबर बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। इस दिवस पर सारा जब शोकाकुल है हमारा बुद्धिस्ट परिवार पर, मैंने बाबा साहब से सीखा है हम लोगों ने कि बाबा साहब के बच्चे की मृत्यु भी हुई थी तो भी वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में लोगों की सेवा करने निकले थे। तो आज भी हम लोग उनके शोकाकुल स्थिति में भी हम दूसरों की मानवता की मिसाल रखते हुए चाह रहे हैं कि दूसरे लोगों को हम जीवन दान दें, रक्तदान और जीवन दान दे के। हमने एक कैंपेन चलाया ब्लड फॉर बाबा साहब के नाम से, ये पूरे विश्व भर में है और भारत के लगभग 18 राज्यों में यह कैंपेन चल रहा है। आज के दिन हम बाबा साहब को मान वंदना देते हुए बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर जो है ब्लड फॉर बाबा साहब ये कैंपेन चला रहे हैं। हमारे साथ में बहुत सारी संस्थाएं हैं, भारतीय बौद्ध महासभा है, स्वास्थ्य मिशन है और तमाम सारे संगठन, समता सुरक्षा सेना है, ऐसे भिलाई और दुर्ग के काफ़ी सारे संगठनों ने मिलकर के इस ब्लड फॉर बाबा साहब कैंपेनिंग का आयोजन किया है और ये विश्व के अनेक देशों में हो रहा है। वैसे भी कहा जाता है कि रक्तदान महादान और जीवनदान होता है और इन्हीं शब्दों को एक बार फिर बौद्ध समाज ने चरितार्थ किया है और अपने समाज के अलावा सर्व समाज के प्राणों की रक्षा में बहुउपयोगी रक्त का दान किया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।